गाइस आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। आज एक गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज है बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के फैंस के लिए और साथ ही साथ बिग बॉस के फैंस के लिए। जी हाँ, लॉकडाउन खत्म हो चुका है और एक गुड न्यूज है कि बहुत जल्द बिग बॉस आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं आखिर उसकी तैयारियां क्या चल रही हैं और कब वो टीवी पर टेलीकास्ट होगा। बिग बॉस 14 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाला है। वहीं बिग बॉस 14 की थीम जंगल पर होगी। बिग बॉस के घर मिलने वाली बहुत सी सुविधाएं छीन ली जाएंगी और पार्टिसिपेंट्स को मुश्किल हालातों में रहना होगा। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 13 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट होंगे और 3 कॉमनर। जी हां, बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है क्योंकि इस बार कोई भी बिग बॉस के घर जाकर अपने फेवरेट सलमान भाई यानी भाईजान से मिल सकता है। बता दें, सभी कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के घर में भेजने से पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें घर के अंदर भेजा जाएगा, नहीं तो उन्हें इस सीजन में हिस्सा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बिग बॉस का पूरा घर सैनिटाइज किया जाएगा। सलमान खान सिर्फ शनिवार के दिन शूट के लिए आएंगे। खबरों की माने तो इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री और टास्क के नियम पिछले सीजन जैसे ही रहेंगे। बता दें, बिग बॉस अब तक अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाता, लेकिन इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण ये सीजन अब अक्टूबर के एंड वीक में शुरू किया जाएगा। इस सीजन का प्रोमो सलमान खान अपने फार्म हाउस से पहले ही शूट कर चुके हैं। शो के कंटेस्टेंट की बात करें तो अभी तक हमारी बहू सिल्की के जान खान और तुझसे है राब्ता फेम शगुन पांडे का नाम सामने आया है। हालांकि इस बारे में अभी तक शो के मेकर्स और चैनल द्वारा कोई अनाउंसमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है कि बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट कौन से होंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि टीवी एक्टर करण कुंद्रा भी शो का हिस्सा हो सकते हैं। तो करण कुंद्रा के फैंस के लिए गुड न्यूज है क्योंकि बहुत टाइम बाद करण कुंद्रा बड़ा पर्दा छोड़ के वापस छोटे पर्दे पर दस्तक देंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको सलमान खान का वो प्रोमो शूट। बिग बॉस की खबरों के लिए देखते रहिए आईबीएन भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।